इंस्टाग्राम पे अगर वायरल होने के लिए सबसे जो मेन चीज़ है, सबसे जो मेन फैक्टर है, वो है मेरे भाई ट्रेंडिंग साउंड को यूज़ करना। अगर आप पुराने साउंड यूज़ करोगे तो नॉर्मल सी बात, आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी। हर चीज़ में मेरे भाई ट्रेंड वायरल होता है, चाहे वो कच्चा बादाम हो, चाहे बचपन का प्यार हो, चाहे कोई भी हो, ट्रेंड में जो रहता है वो वायरल होता ही होता है। अब जरूरी नहीं है जो कच्चा बादाम चल रहा है तो उस पर आपको उसी टाइप की वीडियो बनानी। आप अपने हिसाब से उस वीडियो को मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे मान लीजिए उस पर जो डांस था, जरूरी नहीं आपको वो डांस ही उसमें करना पड़े। आप अगर गिटार बजा रहे हो, आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, तो आप उसमें अपने हिसाब से उस चीज़ को ऐड कर सकते हो। वो साउंड बस आपकी वीडियो में आना चाहिए तो कहीं ना कहीं आप वायरल हो जाओगे। तो आपको ये चीज़ मैं बताऊंगा इस वीडियो में, आपको 5 से 6 तरीके बता दूंगा कि कैसे आप ट्रेंडिंग साउंड को ढूंढ सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि ट्रेंडिंग साउंड है कहाँ, कैसे मिलते हैं, कैसे ढूंढते हैं, तो आप वीडियो कैसे बनाओगे? आप नॉर्मली जो आपको पसंद आएगा वो बनाना है, मतलब जो आपको पसंद आएगा वो आप बनाते जाओगे। वो चीज़ नहीं चलती मेरे पास। जो आपको पसंद है वो आपको नहीं बनाना है, जो ऑडियंस को चाहिए वो आपको बनाना पड़ेगा। ऑडियंस को क्या पसंद है जो ट्रेंडिंग में चलता है, क्योंकि आप तो नॉर्मल सी बात है, आप भी जो चीज़ देखते हो वो ट्रेंडिंग में जो चलती है उसको आप देखते हो, शेयर करते हो, सेव करते हो। तो आज मैं आपको 5 से 6 तरीके जो बताने वाला हूँ, शायद आपकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी और आप आगे से आप भी आगे लोगों को बताना ये चीज़। तो पूरी एंड तक वीडियो देखने के बाद पसंद आती है या काम आती है तो वीडियो को जरूर से लाइक कमेंट शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आने वाली वीडियोज़ की फर्दर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल और पीसी से मिस ना हो। जो पहला तरीका है मेरे दोस्त, वो है कि आप जो अगर रील आप स्क्रॉल कर रहे हो तो हर 2-3 वीडियो के बाद अगर एक ही एक वीडियो आ रही है, जैसे आपने 3 वीडियो डाली और कच्चा बादाम आ गया, फिर 2-3 वीडियो डाली फिर कच्चा बादाम आ गया, तो आपको पता चलने लग जाएगा कि बार बार उसी साउंड पे वीडियो आ रही है, तो वो एक ट्रेंडिंग साउंड है। ये सबसे पहला तरीका, सबसे आसान तरीका होता है पता करने का, क्योंकि जो ट्रेंड है ना उससे वीडियो वायरल होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग शेयर करते हैं, सेव करते हैं, स्टोरी में डालते हैं, मेंशन करते हैं, डीएम में डालते हैं, तो वो वीडियो वायरल होने लगती है, वो सबकी फीड में आती आती है। तो अगर आप हर 3-4 वीडियो के बाद आपके पास सेम साउंड आ रहा है, मतलब अगर वो 4 बार साउंड आ गया, आपने 20 रील देखी और 20 रील में जो 4 बार एक ही साउंड आ गया, तो वो मेरे दोस्त वायरल साउंड है। अब आपको चेक करना है कि उस पर क्या चीज़ चल रही है, उस पर डांस चल रहा है, गाना चल रहा है, जो भी चल रहा है। अगर उस गाने पर डांस चल रहा है, कोई स्टेप चल रहा है, तो जरूरी नहीं आपको वो स्टेप करना पड़े। आप क्या कर सकते हो, आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करते रहते हो। जो आप चीज़ करते हो, अगर आप ड्राइंग करते हो तो आप ड्राइंग करते रहो, वो साउंड बैकग्राउंड में लगा दो। आप कहीं चल रहे हो, घूम रहे हो, स्लोमो, कुछ भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहला तरीका जो होता है वो स्क्रॉल करते हुए आपको पता चलेगा। दूसरा होता है कि स्टेप वायरल होते हैं, जैसे कच्चा बादाम का स्टेप हो गया, और मेरे को एक ही कच्चा बादाम अभी याद आ रहा है बार बार में, और भी बहुत सारे स्टेप होते हैं, जैसे वो एक ये वाला साउंड है, हमने भी बनाया था, साउंड का नाम याद नहीं आ रहा है, क्या नाम था वो साउंड का, जुगनू नहीं वो वाला, हाँ जैसे प्यार में चमकू जुगनू वाला स्टेप अभी वायरल चल रहा है, और एक और आया था पहले, क्या नाम था उसका, अपन जो वीडियो बनाए थे, स्टे वाला एक आया था, उसमें भी हमने भी वीडियो बनाई थी, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई थी। तो अब क्या होता है, वो स्टेप वायरल होते हैं, तो आपको क्या करना है, वो स्टेप पे आपको देख लेना है कि ये स्टेप वायरल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उस स्टेप के साथ कोई ना कोई साउंड जुड़ा होगा। ऐसा तो नहीं कि सारे स्टेप एक ही अलग अलग साउंड पे आएंगे, वो स्टेप उसी साउंड के साथ मैच होगा। तो अब आपको वो साउंड भी आपको पता चल गया कि इस पे स्टेप ये लोग कर रहे हैं, इस साउंड पे। जरूरी नहीं आपको स्टेप करना, आपको साउंड पकड़ना, साउंड पकड़ लिए उस पे वीडियो बना दो, आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। जैसे एक वो आई थी रन अवे वाली आई थी, उसमें लोग वो सब कर रहे थे छाया वाला बनाने वाला, लोगों ने क्रिएटिविटी दिखाई, बहुत सारे लोगों ने उस पर आई लव यू आई मिस यू वाले बनाए, बहुत अलग अलग क्रिएटिविटी दिखाई, छाया वाला बनाया लोगों ने, लाइटिंग उसमें कर दी। तो आप अपनी क्रिएटिविटी उसमें दिखा के अपनी वीडियो को वायरल कर सकते हो। तीसरा होता है कोई फेस्टिवल आ गया, कोई ओकेजन आ गया, कोई कल्चर हो गया किसी स्टेट का, उस पर वीडियो वायरल होती है। कोई फेस्टिवल आया होली वाला, तो होली की वीडियो वायरल होती है, दिवाली होती है, दिवाली की वीडियो वायरल होती है, क्योंकि लोग उनको स्टोरीज में डालते हैं, शेयर करते हैं। कोई भी छोटा मोटा त्यौहार हो गया या बड़ा त्यौहार हो गया, छोटा हो गया, ईद हो गई, जो भी हो गया, क्रिश्चियन का हो गया, सारे त्यौहार पर कोई ना कोई वीडियो वायरल होती है, चाहे त्यौहार हो, चाहे कोई ओकेजन हो, या फिर कोई कल्चर हो, किसी का कल्चरल कोई डांस हो, जैसे राजस्थान का हो गया, गुजराती का हो गया, मराठी का हो गया, तमिल का हो गया, उस पर भी वो सारी चीज़ें वायरल होती है। तो उस पर भी आपको ध्यान रखना है कि कौन से स्टेट का कौन सी चीज़ वायरल हो रही है, तो उस साउंड को मैं अपने साउंड में कैसे यूज़ कर सकता हूँ। जैसे एक बार एक गुजराती गाना है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका, वो गाना बहुत वायरल हुआ था, तो लोगों ने, सारे स्टेट के लोगों ने, जो लोगों को पसंद आया उस गाने पर बनाई और उनकी रील वीडियो वायरल हुई। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ओकेजन हो गया, कोई त्यौहार हो गया, कोई कल्चर हो गया, वो सारी चीज़ों पर आपको नज़र रखनी है। जैसे आपको पता चलता है, हिंट होता है, तुरंत बनाओ, वेट मत करो यार कि आज पता चला कल बना लूँगा परसों, जैसे पता चलता है वैसे वीडियो बना दो और अपनी वीडियो को वायरल कर दो। अगला जो आप पता कर सकते हो, यहाँ पे आपको स्क्रीन में देखना, आपको जाना है अपने स्टोरी वाले सेक्शन में, कोई भी एक रैंडम में यहाँ पे फोटो खींच लेता हूँ, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ म्यूजिक में जाओगे, तो फॉर यू वाले में सेक्शन में वो सब रहता है जो आप, मतलब जो सुनते रहते हो, स्टोरी में लगाते रहते हो, मेंशन करते हो, रीमेंशन करते हो, जो गाने ऐड करते हो, बर्थडे वाला डालते हो, वो सब आता है। लेकिन जो साइड में ब्राउज लिखा हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग साउंड होता है, तो ब्राउज में जाके आप देख लो, पॉप वाले हो गए, आपके हिप हॉप वाले हो गए, जो भी आपको अच्छा लगता है साउंड में, उस साउंड में भी अगर आप वीडियो बनाते हो तो आपके 90% चांस बन जाते हैं कि आपकी वीडियो वायरल हो जाए, क्योंकि वो भी एक ट्रेंडिंग साउंड है। पांचवा जो तरीका है वो मेरे दोस्त, आपको जाना है एक्सप्लोर सेक्शन में। एक्सप्लोर में जो भी वीडियो आती है वो कहीं ना कहीं वायरल वीडियो होती है, तो एक्सप्लोर में यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक्सप्लोर में ये देखिए जो जो वीडियो है उनको आप देख लो, वो जो साउंड है उनको जाके देख लो कि ये साउंड कब से स्टार्ट हुआ है, कितने लोगों ने वीडियो बना दी, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई है, तो कहीं ना कहीं वो वायरल है। और आजकल एक नया स्टेप हो रहा है, जो नीचे गाने वाले सेक्शन है मेरे में नहीं दिखा रहा है, गाने वाले सेक्शन में एक एरो बनी हुई रहती है, ऊपर में एरो बनी हुई है, मतलब रील उसको कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहा है उस गाने को, और उससे लोग वीडियो बनाते हुए जा रहे हैं। तो वो भी अगर आपके फोन में दिखाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम में आप डीएम करके जरूर बताना। मेरे में ये चीज़ नहीं दिखाई है, मेरे फ्रेंड के में दिखाई है, तो उसने मेरे को बताया था कि तुझे वीडियो बनाया तो उसमें ये चीज़ ऐड कर देना कि
एरो वाला जो साइन आ रहा है, तो अगर वो साइन अगर वहाँ पे दिखा रहा है तो उससे बहुत सारी वीडियो बन रही है और कहीं ना कहीं वो वीडियो वायरल हो रही है और इंस्टाग्राम भी उस वीडियो को सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसी एरो अगर आपको कहीं पे दिखती है वो वाला साउंड तुरंत उठाओ, उस पर वीडियो बना लो। अगला जो टॉपिक है वो है टॉक बोर्ड। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपको गूगल में जाना है, वहाँ पे आपको देखना है टॉक बोर्ड, क्योंकि बहुत सारे जो ट्रेंड होते हैं वो टिकटॉक से उठ के आते हैं। तो अब आप इंडिया में तो बैन पता नहीं कर सकते, लेकिन ये जो वेबसाइट है आपको बता देगी कि टिकटॉक में अभी कौन से साउंड ट्रेंड में चले, तो वो साउंड आप देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे साउंड यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, इन साउंड पे भी आप वीडियो बना सकते हो, तो इंस्टाग्राम में भी वो वीडियो वायरल होगी होगी, थोड़े टाइम बाद होती है लेकिन वायरल हो ही जाती है। बहुत सारे जो ट्रेंड है 70-80% ट्रेंड स्टार्टिंग में टिकटॉक में ही थे, फिर वो जब रील आई तो रील में आने लगे। अभी भी जो अदर कंट्रीज़ के जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं इंडिया में आ ही जाते हैं, अगर टिकटॉक बैन है तो वो रील में आ जाते हैं। तो ये सब सारी जो चीज़ें थी जो मैंने 5-6 चीज़ें आपको बताई, इनसे आप पता कर सकते हो कि कौन सा साउंड ट्रेंडिंग में है, कौन सा साउंड ट्रेंडिंग में नहीं है। पुराने साउंड पे मत बनाओ मेरे दोस्त, नए नए साउंड पे बनाओ, नए नए ट्रेंड में बनाओ, ताकि आपकी वीडियो भी वायरल हो। दिमाग से खेलो, ज़्यादा मेहनत मत करो, स्मार्टली काम करो, आपकी वीडियो भी वायरल हो जाएगी। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हो नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। और भी कोई डाउट है क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। कंसल्टेंसी कॉल भी अवेलेबल है कि आप इंस्टाग्राम में कैसे ग्रो कर सकते हो, यूट्यूब में कैसे ग्रो कर सकते हो, वो सारी चीज़ आप इंस्टाग्राम में डीएम करोगे कि कंसल्टेंसी कॉल चाहिए, तो आपको वहाँ पर फर्दर डिटेल्स आपको भेज दी जाएगी। तो मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।